2007 में रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम ने जो उपलब्धि हासिल की थी T20 विश्व कप में, उसे फिर से हासिल करने के लिए, उस उपलब्धि को फिर से दोहराने के लिए भारतीय टीम फिलवक्त ऑस्ट्रेलिया पहुंची हुई है। तो दूसरी तरफ रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी रांची आए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप और मैं हूँ राकेश रंजन। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जब अभी वनडे का मुकाबला रांची में खेला गया था, उसमें महेंद्र सिंह धोनी नहीं आ पाए थे और उस वक्त उन्हें बहुत मिस कर रहे थे लोग, लेकिन धोनी जैसे ही वक्त मिला है वो रांची आ चुके हैं। बुधवार को महेंद्र सिंह धोनी रांची आ गए हैं अपने दोस्तों के संग। वरुण साहू और चित्तू उनके दोस्त हैं, उनके साथ रांची के राजकुमार रांची आए हैं। और आपको बता दूं कि जब अभी वनडे मैच दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हुआ था तो लोग उन्हें बहुत मिस कर रहे थे। आप जो उनके फ़ैन हैं रामबाबू चंडीगढ़ से, उनकी वेशभूषा में जो कि हर स्टेडियम में आपको दिखते हैं, वो रांची भी आए थे और उन्होंने कहा था कि मैं अपने भगवान के शहर आया हूँ। तो उनके भगवान अब रांची आ गए हैं। इसके अलावा उड़ीसा से उनके फ़ैन आए थे, उस वक्त जो यहाँ पर खिलाड़ियों के नाम की जर्सी बेच रहे थे, उन लोगों से जब हमारी बातचीत हुई थी तो उन लोगों ने भी कहा था कि जो सबसे ज़्यादा जिनके नाम की जर्सी बिक रही है वो महेंद्र सिंह धोनी ही हैं। और यही लोकप्रियता है महेंद्र सिंह धोनी की। महेंद्र सिंह धोनी न सिर्फ रांची को प्यारे हैं बल्कि आप कहें कि पूरे देश भर में उन लोग उन्हें प्यार करते हैं, देश भर के वो लाडले हैं। तो होता है कई बार आपकी जो पर्सनल कमिटमेंट होते हैं, कमर्शियल कमिटमेंट होते हैं, उनकी वजह से आप चाह कर भी कुछ काम जो करना चाहते हैं या जहां पहुंचना चाहते हैं वहां नहीं पहुंच पाते। शायद धोनी की भी कोई मजबूरी रही होगी कि वो दक्षिण अफ्रीका के साथ जब भारत का मुकाबला रांची में खेला जा रहा था उस वक्त यहां नहीं आ पाए थे। लेकिन आपको बता दूँ कि 30 सितंबर को धोनी जो है कपिल देव के साथ गोल्फ के मैदान पर दिखे थे। अवसर था, कपिल देव के नाम से एक टूर्नामेंट होता है, कपिल देव ग्रैंड थ्रॉन्टन इन्विटेशनल 2022 गोल्फ टूर्नामेंट, ये टूर्नामेंट था। और उस दौरान कपिल के साथ वो गुरुग्राम में दिखे थे महेंद्र सिंह धोनी। और आपको बता दूं कि ये जो दोनों ही खिलाड़ी हैं, कपिल देव और महेंद्र सिंह धोनी, अगर हम दोनों की बात करें तो ये दोनों ही भारत के ऐसे कप्तान हैं जिनकी कप्तानी में भारत ने वनडे का विश्व कप जीता है। कपिल देव की कप्तानी में 1983 में और धोनी की कप्तानी में 2011 में। तो इन दोनों को एक साथ देखना बहुत ही सुखद अनुभव रहा था। और ये वो जो तस्वीरें थी वो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल भी हुई थी। इसके बाद 6 अक्टूबर की बात कर रहा हूँ, ये दो धुरंधर की बात मैं कर रहा हूँ, एक तो धोनी हो गए और दूसरे सचिन तेंदुलकर, ये दोनों टेनिस कोर्ट पर दिखे थे, दोनों के हाथ में रैकेट था तो, और बिल्कुल कैजुअल टी शर्ट पहन रखा था, ट्रैक पैंट था। तो लोगों की जिज्ञासा बढ़ी, वो तस्वीरें भी बहुत वायरल हुई, तो लोगों की जिज्ञासा बढ़ी कि भाई आखिर दोनों टेनिस कोर्ट पर क्या कर रहे हैं। तो पता चला कि वो एक एड फिल्म की शूट के लिए दोनों वहाँ पर जमा हुए थे। तो सचिन और धोनी की जो जोड़ी है वो टेनिस कोर्ट पर दिखी थी 6 अक्टूबर को, और वो भी एक कमिटमेंट था, कमर्शियल कमिटमेंट, चूँकि बाद में पता चला कि वो एड फिल्म की शूट थी, वहाँ पर जो क्रू मेंबर्स थे एड फिल्म के वो निर्देश के दे रहे थे दोनों खिलाड़ियों को और दोनों बड़े ध्यान से उनकी बातों को सुन रहे थे। तो एक कमर्शियल कमिटमेंट भी था वो 6 अक्टूबर को। तो इन सब वजहों से शायद धोनी 9 अक्टूबर को रांची में जो मुकाबला हुआ दक्षिण अफ्रीका के साथ उसमें नहीं आ पाए हों, लेकिन अब रांची वो पहुंच चुके हैं बुधवार को। अब वो यहाँ पर रांची में कुछ समय गुजारेंगे, कितना समय गुजारेंगे इसकी पुख्ता जानकारी तो नहीं है, लेकिन वो अभी रांची में कुछ दिन रहें ऐसी सभी उम्मीद कर रहे हैं। और जब धोनी रांची में हो तो कब दीदार हो जाए ये भी पता नहीं। आप सड़कों पर निकलते हैं, आप जानते हैं कि धोनी बाइक के और गाड़ियों के बहुत शौकीन हैं, तो अपनी गाड़ी पे या बाइक पर अगर वो रांची की सड़कों पर आपको घूमते दिख जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, आप उनका दीदार पा सकते हैं। इसके अलावा ये भी देखना होगा कि क्या धोनी इस बार भी देवड़ी मंदिर जाते हैं या नहीं, अक्सर धोनी जो है देवड़ी मंदिर जाया करते हैं, तो क्या कुछ यहाँ पर वो करते हैं ये तो आने वाले दिनों में साफ होगा। फिलहाल भारतीय टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है T20 विश्व कप जीतने के लिए और धोनी यहाँ रांची में है। हम उम्मीद करते हैं कि
धोनी ने जो कमाल 2007 में किया था वो रोहित शर्मा इस बार करेंगे। अभी के लिए इतना ही, इजाज़त दें, नमस्कार।